आज की क्लास में इम्प्लांटेशन को समझने के लिए इस डायग्राम का हेल्प लेंगे हम लोग, ठीक है। एक छोटा सा एरर है इस डायग्राम में। क्या एरर है बता सकते हैं आप? देखिए, इसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई एरर है इस डायग्राम में। सोचिए कौन सा एरर दिख रहा है, मैं बताती हूँ। ये डायग्राम आपको सबसे पहली बात इम्प्लांटेशन समझा रहा है। क्या समझा रहा है? इम्प्लांटेशन। डेफिनेशन बहुत बार मैं लिख चुकी हूँ तो आगे मैं नहीं लिखूंगी। तो ये जब फेनोमेना इम्प्लांटेशन आप देखते हैं, क्या देखते हैं? इम्प्लांटेशन। और इसको समझने के लिए आपके सामने यहाँ जो डायग्राम बना है, इसमें एक एरर ये है छोटा सा, जो बड़ा सा भी बोल सकते हैं, कि जब फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, तो ये जो यहाँ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, दीज प्रोजेक्शंस आर फिम्ब्री। पता है आपको ये क्या है? फिम्ब्री है, ठीक है। अब यहाँ पे एक फनल शेप्ड अपियरेंस वाला स्ट्रक्चर आया, दैट इज अनदर पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। इसको मैंने आपको इनफंडिबुलम सिखाया था। क्या सिखाया था मैंने आपको? इनफंडिबुलम, ठीक है। और इसके बाद ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज एम्प्यूला, AMPULLA। और यहां से लेके यहां तक जो पार्ट, मतलब पार्ट विच इज एडजेसेंट टू यूट्रस, मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए फेलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट यूट्रस के पास प्रेजेंट होता है, तो आंसर क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे आंसर में? इस्थमस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इस्थमस लिखेंगे, ठीक है। ये तो खैर एम्प्यूला है, और ये पार्ट जो है ये इस्थमस है, ISTHMUS, इस्थमस, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो ये यहाँ पे इस्थमस नजर आ रहा है और ये एम्प्यूला दिख रहा है, तो आपने ये सीख रखा है द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज दिस एम्प्यूलरी इस्थेमिक जंक्शन। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल। मैंने आपको बार बार ये रिपीट किया था, यही वो साइट है, मतलब इस एम्प्यूला और इस इस्थमस के बीच की वो जगह है जहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो बस इस डायग्राम में एरर ये है कि यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है उसको बिल्कुल फिम्ब्री के पास दिखाया गया है, ठीक है। ये भी सही है, अगर किसी चीज में कोई एरर हो तो उसको भी एटलीस्ट समझना चाहिए, देखना चाहिए। इसको आपको करना क्या है, ये जो फेनोमेना है यहाँ पे, इस फेनोमेना को आपको यहाँ शो करना है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। तो आप एक क्या करेंगे, जब इस डायग्राम को ड्रॉ करना होगा आपको, तो आप क्या करेंगे, प्रॉपर इसको ड्रॉ करेंगे, जिससे क्या होगा, पूरा स्पेस जो है यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले अगर मैं एक नेक्स्ट पेज लेती हूँ और मुझे आपको इम्प्लांटेशन लिखने को देना है, ठीक है, तो मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ डायग्राम बनाने से पहले एक काम करना है। क्या काम करना है सो देखिए, सबसे आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। इम्प्लांटेशन के लेबल्स को यहाँ से उठा के हम डायग्राम में पेस्ट करने वाले हैं, बस ये समझना है, ठीक है। सबसे पहला प्रोसेस कौन सा होता है? सबसे पहले द नंबर वन फेनोमेना इज, अगर हम फीमेल बॉडी में बात करें, ऊजेनेसिस। क्या होता है? ऊजेनेसिस, ठीक है। अच्छा, ऊजेनेसिस के बाद क्या होगा? ऊजेनेसिस का क्या मतलब होता है? फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ ओवम। ऊजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ऊजेनेसिस का क्या मतलब होता है? फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ठीक है। ओवुलेशन का क्या मतलब होता है? ओवुलेशन, पहले ओवम बनेगा और फिर ओवुलेशन में क्या होगा, ये ओवम बाहर हो जाएगा, ठीक है। दैट इज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी। और यहां जो मैंने 1 2 लिखा है इसको मैं ABCD कर देती हूँ, क्योंकि हमेशा जब कभी भी किसी बुक में, या 1 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मार्क किया हो ABCD लिखा होता है उसमें। ओवुलेशन के बाद क्या होगा बताइए? अगर मैं ऐसा ऐसा बोलूं कि ओवुलेशन के बाद के फेज को हम लोगों को लिखना है, जब ओवुलेशन हुआ तो ओवुलेशन होने के बाद उस ओवम को कहाँ जाना है, तो एक स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ओवुलेशन का जो टाइम है प्लस स्पेस
स्पर्म्स को जिस टाइम में फेलोपियन ट्यूब में पहुंचना है, ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो साइमल्टेनियसली होने चाहिए, मतलब एक साथ दोनों की मीटिंग कहाँ होनी चाहिए, एम्पुलरी स्थेमिक जंक्शन में। अगर ऐसा नहीं हुआ, मैं आपको एक केस बता रही हूँ, सपोज कीजिए ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया है द टाइम ऑफ ओवुलेशन इज मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या है? मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जब मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो पहुंचेगा ही नहीं स्पर्म वहां पे, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस तो वैसे भी नहीं है, फर्टिलाइजेशन तो वैसे भी नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन को होने के लिए हमेशा गारंटी के साथ क्या चाहिए कि जो ओवम है वो 15th डे या 14th डे या मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हो, वो पहुंचा हो कहाँ पे, एम्पुलर इस्थेमिक जंक्शन में। ठीक है, तो ओवुलेशन का जो ये फेनोमेना है, क्या है ओवुलेशन का ये जो फेनोमेना है, तो इस ओवुलेशन के फेनोमेना के बाद हम लोग करते क्या हैं, जो ओवम है उसको थोड़ा आगे बढ़ा के बनाते हैं, मतलब एम्पुलर इस्थेमिक जंक्शन पे। कहाँ बनाते हैं हम लोग इसको? एम्पुलर इस्थेमिक जंक्शन में। ठीक है, और इसके बाद एक को हम दूसरे को हम बी लिख देंगे, और एम्पुलरी स्थेमिक जंक्शन में क्या करना है हम लोगों को, फर्टिलाइजेशन शो करना है, फर्टिलाइजेशन। ये हो गया फर्टिलाइजेशन। अच्छा, ये कहाँ होगा, किस जगह होगा ये? एम्पुलरी स्थेमिक जंक्शन पता है आपको ऑलरेडी, दैट इज एम्पुलरी स्थेमिक, एम्पुलरी स्थेमिक जंक्शन हो गया ये, एम्पुलरी स्थेमिक जंक्शन। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन शो करना है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, डी में आप क्या करेंगे, जायगोट को शो कर देंगे। किसको शो कर देंगे? जायगोट को। ये सीरीज आपको पता है ऑलरेडी, बस मैं एक जगह समराइज करके लिख लूँ। अच्छा, ये क्या बना? जायगोट बना। क्या बना? जायगोट। ठीक है, जायगोट से मान लीजिए ये क्या है, यहाँ पे एक जायगोट है। हाँ, अच्छा ठीक है, जब ये जायगोट यहाँ पे डिवाइड करेगा माइटोसिस से, कैसे डिवाइड होगा? माइटोसिस से। तो माइटोसिस से डिवाइड होने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे टू सेल्ड स्टेज बनाएगा। क्या बनाएगा ये? तो हमने यहाँ पे लिख दिया टू सेल्ड स्टेज, सब मैं शो कर रही हूँ आपको, पहले अपना कॉमन सेंस लगाना है, इन सबको फिनिश कर लेना है। अच्छा, दो से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? फोर सेल्ड स्टेज। तब क्या बनेगा यहाँ पे? फोर सेल्ड स्टेज। फिर क्या बनेगा? एट सेल्ड स्टेज। फिर क्या बनेगा यहाँ पे? एट सेल्ड स्टेज। देन क्या बनेगा आपका? 16 to 32 सेल्ड स्टेज। एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो एच वाला जो फेज है या एच जो लेवल है उसमें इम्प्लांटेशन को शो कर दिया गया है। तो अगर ये यहाँ पे आ ही गया, तो मैं बार बार बच्चों को वही बात रिपीट करती हूँ, इसको रटना नहीं है, अपना कॉमन सेंस लगा के ये सारी सीरीज जो है खुद भी आप लिख सकते हैं। मैंने आपको जैसे भी समझाया, इसको आप खुद भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये जो 16 to 32 सेल्ड स्टेज है, दैट इज ब्लास्टोसिस्ट। पता है आपको ये क्या है? ब्लास्टोसिस्ट है। क्या है ये? ब्लास्टोसिस्ट है। ठीक है, और यही जो ब्लास्टोसिस्ट है ये जाके यूटेराइन वॉल पे इम्प्लांट करेगा। तो मैंने यहाँ पे इम्प्लांटेशन लिख दिया, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? इम्प्लांटेशन लिख दिया। अब मुझे आप एक बात बताइए, इतना आप बिना देखे लिख सकते हैं? रिप्लाई करेंगे उधर से, इतना लिख सकते हैं बिना देखे हुए? मैंने कुछ नहीं किया है, पहले बस मैंने यस लिखा मैम, है आपको। हाँ, आपको सीरीज ऑलरेडी पता है कि पहले नीट के एग्जाम में कई बार क्या होता है, लिखा होता है जैसे पहले लिख दिया ओवुलेशन, फिर लिख दिया जायगोट, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, फिर लिख दिया फर्टिलाइजेशन, बोला जाता है इसको राइट सीरीज में आपको अरेंज करना है। ठीक है, कैसे अरेंज करेंगे राइट सीरीज में? इसका जो सीक्वेंस है ऑलरेडी जिस बच्चे के पास कॉन्सेप्ट है उसके दिमाग में बैठा होता है, उसको रटने की जरूरत नहीं है। अब इस लेवल को हम लोगों को क्या करना है, अब मैं देखिए एक चीज बताती हूँ आपको। अगर मैंने यहां से लेके यहां तक ये जो पूरा प्रोसेस मैंने लिखा, ठीक है, ऊजेनेसिस से लेके और इम्प्लांटेशन तक का मैंने पूरा जो फेनोमेना यहाँ लिखा, अगर मैं इसको यहां से कॉपी करूं
हो जाए तो अच्छी बात है। हाँ हो गया, ठीक है। मैं बैक पेज पे गई, मैंने यहाँ पे आ गया, ये आ गया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, लिखा हुआ थोड़ा ये है तो इसको हम लोग यहाँ पे क्लीन, चलिए उधर का कट रहा है, सारी सीरीज तो आ रही है ना। अब देखिए ये जो मैंने लिखा था, मतलब अभी नेक्स्ट पेज पे, याद आया ना आपको, ये जो अभी भी मैंने लिखा था वही है, ये उसी को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सेट कर रहे हैं। ये जो लिखा हुआ अभी अभी जो आपने कॉन्सेप्ट के बेसिस पे लिखा है, उसको मैंने क्या किया है यहाँ इस पेज पे ले जाके सेट कर दिया है। ठीक है, अब देखिए ट्रिक कि इसके बेसिस पे इस डायग्राम को कैसे फिनिश करते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम में मैंने सबसे पहले लिखा है ऊजेनेसिस, तो यहाँ पे ओवरी के अंदर क्या फॉर्म हो रहा है, ओवम फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ओवम फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ऊजेनेसिस जो है, यहाँ जो ओवम बन रहा है इसके अंदर की बात कर रही हूँ मैं, अगर आपको लग रहा है कि पता नहीं चल रहा कहाँ बोल रही हूँ, इसके अंदर की बात मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ओवम तो बन रहा है, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऊजेनेसिस मार्क करेंगे। इसके अंदर क्या मार्क करेंगे, ऊजेनेसिस को मार्क करेंगे। वो गलती से इमेज हो गया मेरे से, इसको वापस लेके आते हैं। ऊजेनेसिस को मार्क करने के बाद ये रहा, एक को हमने क्या किया, ऊजेनेसिस लिख दिया, हो गया। वो ट्रायंगल मिटा रही थी, मैंने सोचा ऐसे ही जगह पे करता हूँ, चलिए कोई बात नहीं। तो ये जो फेनोमेना है, यहाँ पे ए में क्या लिखा है आपने, ऊजेनेसिस लिखा है, ग्रीन ऑलरेडी यूज कर रखा है तो ब्राउन कलर सपोज कीजिए हम लोग उठाते हैं यहाँ से। ठीक है, ए में आपने ऊजेनेसिस लिखा है, मैंने यहाँ ए लिख दिया, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे ओवम को बाहर निकाला जा रहा है, तो ऊजेनेसिस ओवुलेशन, ऊजेनेसिस आपने दिखा दिया, ओवुलेशन को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे बी मार्क कर दिया। सी में फर्टिलाइजेशन, बस यहाँ पे मिस्टेक ये है कि इस पूरे डायग्राम को उठा के थोड़ा ऊपर बनाएंगे, बस और कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, समझने के लिए साफ सुथरा सा डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, सी स्टेप इज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देन ये क्या है आपके पास, जायगोट है, दैट इज डी, आपकी चॉइस है, आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे जायगोट, जैसे मैं बता रही हूँ अभी आपको, ये जायगोट है। ठीक है, देन व्हाट इज दिस, टू सेल्ड स्टेज, आपको दिख रहा है ई में आपने यहाँ लिखा है टू सेल्ड स्टेज, देन फोर सेल्ड स्टेज, इसको लेवल कर दीजिए, फोर सेल्ड स्टेज जो है एफ, ये मैच कर गया इसके साथ। अब जी देखिए यहाँ पे क्या है, ये एट सेल्ड स्टेज है। ठीक है, देन 16 to 32 सेल स्टेज। अब आप सोचेंगे ये क्या नया ड्रामा है, डे 4, डे 5, डे 6 और 7, डे 8 और 9। एक्चुअली ये दिखाया जा रहा है और समझाई जा रही है आपको एक छोटी सी बात, कि जब ये ब्लास्टोसिस्ट खुद को डेवलप भी कर रहा है, डेवलपमेंट करने के साथ साथ ये नीचे की तरफ शिफ्ट भी हो रहा है, तो जब ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो हमने क्या किया है, सिर्फ एक ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, जी है तो मान लीजिए इसको एच मार्क कर दिया। ठीक है, एंड दिस इज आई इम्प्लांटेशन। तो मैं क्या बोल रही थी आपसे कि बहुत ज्यादा ये खिचड़ी जैसा दिख रहा है, अगर हम इन सारे डायग्राम्स को, मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है लेबल है, इसको अगर आप साथ के साथ लिखना चाहें। ठीक है, तो ए में आपने क्या शो करा है, ऊजेनेसिस, तब ये डायग्राम जो है बहुत ज्यादा खिचड़ी बन जाता है। तो मैं बच्चों को यही सलाह देती हूँ, ऐसे ए बी सी डी करके इधर आप उसको मार्क कर दीजिए कि आप वहां पे दिखाना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, ऊजेनेसिस, देखिए कितना आसान हो गया ये। देन क्या हो गया आप, आपके लिए ये क्या है, व्हाट इज दिस फेनोमेना, ओवुलेशन, क्या हो गया ये, ओवुलेशन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन, सी इज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, व्हाट इज डी, जायगोट, डी क्या हो गया, जायगोट हो गया। ठीक है, ई क्या हो गया, टू सेल्ड स्टेज, क्या हो गया, ये टू सेल्ड स्टेज। एफ क्या हो गया यहाँ पे, फोर सेल्ड स्टेज, फोर सी लिख के छोड़ दिया उन्हें। जी क्या हो गया यहाँ पे, एट सेल्ड स्टेज, और उसके बाद आपने क्या मार्क किया, एच जो है दैट इज ब्लास्टोसिस्ट, एंड आई इज आई फॉर इम्प्लांटेशन, और आई पे ही जाके ये सेट हो गया, दैट इज इम्प्लांटेशन। अब मुझे एक बात बताइए, अब इस डायग्राम को आप बिना देखे बना सकते हैं एग्जाम में, क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। देखिए तो ये जो सारे लेबल्स हैं जो आपने यहाँ ए से लेके आई तक किया है, ये ए से आई तक भी जा सकता है,
ए से एच तक भी जा सकता है। कई बुक्स में देखा होगा आपने, नोटिस करा होगा, सीधा जायगोट के बाद ब्लास्टोसिस्ट बना के उसको अटैच होता हुआ दिखा दिया जाता है। ठीक, अब इम्प्लांटेशन आपको समझ आया तो एक बार रिप्लाई करेंगे, उसके बाद मैं इसके आगे की चीजों पे बढ़ूंगी, जहां पे हम लोग अब सीखेंगे कि अगर इम्प्लांटेशन हुआ तो इसके बाद अब कौन कौन से प्रोसेसेस होंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यस मैम। चलिए ठीक है। अब देखिए इसके बाद के प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं हम लोग। इसके बाद के प्रोसेसेस बोलने का क्या मतलब है? जब हम लोग कोरियोनिक विलाई, अब आप सोचेंगे ये क्या नया टर्म है, तो मैं बताती हूँ आपको। कोरियोनिक विलाई, देखिए कोरियोनिक विलाई, ब्लास्टोसिस्ट का जो डायग्राम आपने देखा, ब्लास्टोसिस्ट के डायग्राम में आपको दो टाइप के सेल दिख रहे थे ना आपको, क्या दिख रहे थे? दो टाइप के सेल दिख रहे थे ब्लास्टोसिस्ट के डायग्राम में। बाहरी था ट्रोफोब्लास्ट सेल, एनसीईआरटी को ही मैं जानबूझ के प्रेफर कर रही हूँ ताकि आपको आसानी हो, आपकी किताब में ये डायग्राम अवेलेबल है, इसलिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपको समझ भी आएगा मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। चलिए ये डायग्राम आप समझिए ध्यान से, आप देखिए बुक का डायग्राम है ये, आगे की बात मैं बता रही हूँ। अब अगर इस यूट्रस में आप समझने की कोशिश कीजिए, तो जो ब्लास्टोसिस्ट था, जो क्या था? ब्लास्टोसिस्ट था। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट में अगर ये ब्लास्टोसिस्ट है, अगर ये क्या है? ब्लास्टोसिस्ट है। तो मैंने आपको सिखाया है कि ब्लास्टोसिस्ट में बाहर की तरफ ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं, क्या होते हैं? ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं, और अंदर की तरफ इनर सेल मास होता है। बहुत ध्यान से समझना है, अंदर की तरफ क्या होता है? इनर सेल मास होता है। ठीक है, तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं, ये जो क्या है? ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं, ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट खुद को कोरियोनिक विलाई में मॉडिफाई करेगा। प्लेसेंटल विलाई जिसको यहाँ पे लिखा जा रहा है, दैट आर कोरियोनिक विलाई, ये खुद को किस में ट्रांसफॉर्म करेगा? कोरियोनिक विलाई में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच सेल ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इज मॉडिफाइड इनटू प्लेसेंटल विलाई, वाई विलाई? बिकॉज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर हियर, यहाँ पे क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे इसको टर्म क्या दे रहे हैं? विलाई बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक आपको प्लेसेंटा नजर आ रहा है, क्या दिख रहा है आपको? प्लेसेंटा दिख रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो को मदर की बॉडी से ये स्ट्रक्चर कनेक्ट करने का काम कर रहा है, दिख रहा है आपको? ये स्ट्रक्चर क्या कर रहा है? कनेक्ट करने का काम कर रहा है। अब ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, दैट इज प्लेसेंटा, दैट इज प्लेसेंटा। तो अब अगला जो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्लेसेंटा, कि प्लेसेंटा है क्या? ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, प्लेसेंटा लिखिए, देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज प्लेसेंटा, PLACENTA। अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं तो प्लेसेंटा एक ऐसा टेम्पररी एसोसिएशन, अब परमानेंट तो है नहीं, सिर्फ प्रेगनेंसी टाइम के लिए है, उसके बाद के लिए नहीं है, उसके पहले के लिए नहीं है। ठीक है, जब तक इस फीटस को डेवलप होना है सिर्फ तभी तक के लिए, इतना आपको पता है। ठीक है, तो डेफिनेशन में हम लोग क्या लिखते हैं कि प्लेसेंटा एक ऐसा टेम्पररी एसोसिएशन है फीटस और मदर के टिश्यूज के बीच में, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? चाहे आप गैसेस एक्सचेंज की बात करें, ये गैसेस एक्सचेंज करेगा, मदर की बॉडी से इस फीटस को नरिशमेंट मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, और ये क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटा को इसी प्लेसेंटा के थ्रू बाहर रिमूव करेगा। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं अब इसको। तो प्लेसेंटा में बोलते हैं हम लोग, प्लेसेंटा इज द
प्लेसेंटा इज द टेम्पररी एसोसिएशन. प्लेसेंटा इज द टेम्पररी एसोसिएशन बिटवीन फीटल एंड मैटरनल टिश्यूज. कोई दिक्कत नहीं, फीटस और मदर के टिश्यूज के बीच में ये क्या है, ये टेम्पररी एसोसिएशन है. ठीक है, अब कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा. अगर आप ऐसे देखते हैं फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, समझ आया ना प्लेसेंटा कहाँ पे, ये दिस वन, ये है प्लेसेंटा, दिख रहा है ना साफ साफ आपको. ठीक है, तो वही हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, कि प्लेसेंटा का काम क्या क्या है, प्लेसेंटा करता क्या क्या, फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा. अब ऑब्वियस है कि अगर ये यहाँ पे एक ज्वाइनिंग स्ट्रक्चर है, कनेक्टिंग स्ट्रक्चर है, तो उसका काम भी वैसा ही होता होगा, है ना. तो ये मदर की बॉडी से नरिशमेंट, न्यूट्रिशन, गैसेस, हार्मोन सब कुछ प्रोवाइड करने का काम करेगा. ठीक है, तो ये प्लेसेंटा जो है अगर ना हो तो फीटस का सर्वाइवल जो है वो भी इम्पॉसिबल है. ठीक है, अब लिख लीजिए इसमें, तो कंक्लूजन क्या निकला और मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकली. प्लेसेंटा प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, टू अ ग्रोइंग और डेवलपिंग फीटस लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ग्रोइंग फीटस सबसे अच्छा. ठीक है, यानी जो फीटस डेवलप हो रहा है उसको ये क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करेगा. अब सिर्फ इतना तो है नहीं, अब सिर्फ देता ही रहेगा तो काम तो चलेगा नहीं, एक्सक्रीटा को भी क्या करेगा, रिमूव करेगा. तो आगे लिख लीजिए, प्लेसेंटा ऑल्सो रिमूव्स, बिल्कुल जीरो लेवल पे जाके मैं आपको बिल्कुल साधारण तरीके से सारे स्टेटमेंट्स लिख रही हूँ, कहीं समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी. प्लेसेंटा ऑल्सो रिमूव्स, प्लेसेंटा ऑल्सो रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फीटल ब्लड. ये क्या करेगा, इसको यहां से रिमूव करने का काम करेगा. ठीक है, अब एक चीज देखिए, यहां पे एक लेबल है आपके पास अम्बिलिकल कॉर्ड. एक क्या लेबल है यहाँ पे, अम्बिलिकल कॉर्ड, बहुत ध्यान से समझना है जो मैं समझा रही हूँ. ठीक है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड जब कभी लेबल किया जाता है तो आपने नोटिस करा होगा कि ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो है ये फीटस के साइड, जो एम्ब्रियो यहाँ पे डेवलपिंग एम्ब्रियो है, इस साइड लेबल किया जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड. यानी प्लेसेंटा का वो छोर, प्लेसेंटा का वो टर्मिनल दैट इज कनेक्टेड विद बॉडी ऑफ एम्ब्रियो या सेल्स ऑफ एम्ब्रियो. मेरी बात समझ आई, तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड है. ये क्या है, यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड है. ठीक है, एक अम्बिलिकल कॉर्ड भी हम लोग लिखते हैं. ये पेज कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ू मैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, आगे बढ़ू मैं. यस मैम. चलिए, कोई दिक्कत नहीं इसको समझने में, क्लियर है बिल्कुल, है ना. यस मैम, क्लियर है. ठीक है, तो अब क्या करना है, अम्बिलिकल कॉर्ड एक लिख लेते हैं. मैंने अभी प्लेसेंटा लिखा दिया आपको, और कोरियोनिक विलाई के बारे में एक लाइन एटलीस्ट लिख दूंगी कि ताकि आपको एग्जामिनेशन में दिक्कत ना हो. हाँ, जहां तक इस डायग्राम की बात है,
तो डायग्राम बहुत इजीली आपको समझ आ रहा है, सारे लेबल्स को डिस्कस एक बार कर लीजिए। एम्ब्रियो है ये, दैट इज मॉडिफाइड फ्रॉम, क्या बोलूं मैं, ट्रोफोब्लास्ट या इनर सेल मास, किससे मॉडिफाई हुआ है ये एम्ब्रियो, किससे मॉडिफाई हुआ है एम्ब्रियो, किसका मॉडिफिकेशन है, रिप्लाई करेंगे ये इनर सेल मास। हाँ नहीं, इनर सेल मास का, ये एम्ब्रियो जो है, देखिए मैं ऐसे और सिंप्लीफाई करके लिखती हूँ आपको। देखिए मैंने बोला कि अगर हम एक ब्लास्टोसिस्ट की बात करते हैं, देखिए मैं लगा ही देती हूँ ब्लास्टोसिस्ट, कंफ्यूजन ही खत्म जिंदगी भर के लिए। यहाँ से नीट के क्वेश्चन आते हैं तो रिस्क लेने का कोई फायदा नहीं। देखिए ब्लास्टोसिस्ट की अगर हम लोग बात करें, ये रहा ब्लास्टोसिस्ट, तो किसी भी ब्लास्टोसिस्ट को अगर हम निकालेंगे, बहुत क्रिस्टल क्लियर से एक डायग्राम है, ज्यादा है बट एक ही रिक्वायरमेंट है मैं उसमें चलिए। ये सपोज कीजिए एक ब्लास्टोसिस्ट है, इसमें से हमें सिर्फ इस ब्लास्टोसिस्ट की रिक्वायरमेंट है, बाकी आपको पता है ना, पहले क्या हुआ, फर्टिलाइज्ड एग हुआ, फिर टू सेल स्टेज बना, फोर सेल स्टेज बना, सब पता है आपको, ठीक है। अब देखिए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ यहाँ पे, अगर इस डायग्राम को जस्ट साइड में खिसका दें, अब समझिए ये है ब्लास्टोसिस्ट। तो अगर ये ब्लास्टोसिस्ट है और इसके सेल्स को इसकी बात में कर ली, ठीक है, इधर वाला तो आपको पता है, पहले फर्टिलाइज हुआ, फिर दो सेल स्टेज हुआ, फिर दो दुना चार, चार दुना आठ, आठ दुना सोलह, सोलह से बत्तीस, फिर ब्लास्टोसिस्ट हुआ, इतना तो सबको पता है, ठीक है। मैं यहाँ पे बात किस चीज के बारे में कर रही हूँ, अगर ये ब्लास्टोसिस्ट है, अगर ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है, तो दिस ब्लास्टोसिस्ट कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ सेल्स। नंबर वन टाइप ऑफ सेल इज बाहरी जो है यहाँ पे, दैट इज ट्रोफोब्लास्ट, ये है, तो ये हो गया ट्रोफोब्लास्ट, ये हो गया ट्रोफोब्लास्ट, क्लियर है बिल्कुल। अब दूसरे वाले की बात करते हैं हम लोग, नंबर टू इज आईसीएम और इनर सेल मास। ये अंदर आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, इनर सेल मास, यहां मैंने लिख दिया इनर सेल मास। तो ये ट्रोफोब्लास्ट जो है ये तो अटैच कराने का काम कर रहा है ना, तो दिस ट्रोफोब्लास्ट इज मॉडिफाइड इनटू कोरियोनिक विलाई, समझिएगा ध्यान से, इसको हमको लिखना है सी एच ओ आर आई ओ एन आई सी कोरियोनिक विलाई, दीज ट्रोफोब्लास्ट सेल्स आर मॉडिफाइड इनटू कोरियोनिक विलाई। बहुत ज्यादा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे हम लोग, क्वेश्चन क्वेश्चन कर रहे हैं और इम्पोर्टेंट जो टर्म्स है उसको सीखते चलिए। मतलब ट्रोफोब्लास्ट कोरियोनिक विलाई में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा, और इनर सेल मास जो है ये अपने आप को एम्ब्रियो में ट्रांसफॉर्म करेगा। अब क्रिस्टल क्लियर हुआ सबको, अब हुआ क्लियर बिल्कुल, मतलब कि ये ट्रोफोब्लास्ट, क्रिस्टल क्लियर हुआ बिल्कुल, है ना, ये ट्रोफोब्लास्ट कोरियोनिक विलाई बनाएगा और ये जो इनर सेल मास है ये एम्ब्रियो बनाएगा, यही मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अब देखिए तो ये एम्ब्रियो जो है दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ आईसीएम और इनर सेल मास, प्लेसेंटल विलाई और कोरियोनिक विलाई आर मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। दिस इज प्लेसेंटा, व्हाट इज प्लेसेंटा, प्लेसेंटा इज द टेम्पररी एसोसिएशन बिटवीन फीटल एंड मैटरनल टिश्यू, एंड व्हाट इज दिस कॉर्ड विच इज कनेक्टेड टू द फीटल बॉडी, अम्बिलिकल कॉर्ड, मैं एक लाइन लिख देती हूँ अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस कैविटी ऑफ यूट्रस, अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, योक सैक प्रेजेंट है, ठीक है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड, जैसे मैंने यहाँ पे आपको फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा लिखा, आगे अभी अभी हम लोग ये भी सीखने जा रहे हैं कि इस प्लेसेंटा को हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद मुझे जो आपको लिखना था वो तो अच्छा हुआ मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया, तो मुझे पता चला कि नहीं कहीं आपको थोड़ा सा क्या है अभी कंफ्यूजन है, तो क्लियर किया हमने उसको। चलिए अब अम्बिलिकल कॉर्ड पे आते हैं, ठीक है। तो ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वही प्लेसेंटा का ही पार्ट, लेकिन प्लेसेंटा का वो छोर जो कि फीटस से कनेक्टेड है, दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड, वो क्या हो गया, अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया, UMBILIC
CAL अम्बिलिकल कॉर्ड, ये क्या हो गया अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया। सेम वही जो प्लेसेंटा का आपने काम लिखा है ना, वही हम इसका भी लिखेंगे। अलग से क्यों लिखा, क्योंकि हम सिर्फ फीटस वाले साइड के कॉर्ड के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको क्या किया है अलग से डिफरेंशिएट करके लिखा है, बस और कोई बात नहीं है। ठीक है, सेम स्टेटमेंट इसमें भी आएगा, द अम्बिलिकल कॉर्ड connects the baby अच्छा नहीं लगता, fetus लिखते हैं, connects the fetus to the mother's placenta। आप समझ आ गया उससे क्या कर रहा है, ये कनेक्ट करने का काम कर रहा है मदर्स प्लेसेंटा। सेम उसी तरीके से इसका भी वर्क लिखना है तो वहीं पे है ना। अब कॉर्ड जो है चाइल्ड बर्थ के बाद या पार्चुरेशन के बाद इसको क्या किया जाता है, कट किया जाता है, सुना भी होगा आपने, क्लैम्प एंड कट। आगे लिख लीजिए, आफ्टर पार्चुरेशन मतलब चाइल्ड बर्थ, आफ्टर बर्थ और इसी को टेक्निकली बायो में पार्चुरेशन बोला जाता है, आफ्टर बर्थ और पार्चुरेशन द कॉर्ड इज द कॉर्ड इज क्लैम्प्ड एंड कट। बस हो गया, ये छोटा सा अम्बिलिकल कॉर्ड है। नेक्स्ट कोरियोनिक विलाई इज द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटोब्लास्ट सेल्स, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, कोरियोनिक विलाई जो है उसको भी लिख लेते हैं। अच्छा, कोरियोनिक विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्यों शो करते हैं, सेम वही स्टेटमेंट, जहां जहां पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनता है, बॉडी में बन रहा होता है, चाहे हम इंटेस्टाइन में बात करें, चाहे हम कहीं पे भी सरफेस, वो करता क्या है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है ताकि जो मैटरनल ब्लड जो है वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे के लिए अवेलेबल हो। ठीक है, तो कोरियोनिक विलाई पहले हम लोग लिख लेते हैं, द मॉडिफिकेशन ऑफ कोरियोनिक विलाई, इसमें लिखिए कोरियोनिक विलाई इज द कोरियोनिक विलाई इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, क्या लिखूं मैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट सेल्स ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट यहां तक ठीक है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई इंक्रीज द कोरियोनिक विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया by which products
बाय विच प्रोडक्ट फ्रॉम द मैटरनल ब्लड, फ्रॉम द मैटरनल ब्लड आर मेड अवेलेबल टू द फीटस, टू द फीटस। फीटस के लिए क्या होगा, ये ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल होगा, जिसकी वजह से ये कोरियोनिकुलाई क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। ठीक है, और ये आप खुद भी लिख सकते थे, अब इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है तो कि ये योक सैक क्या है, अब इसका क्या ड्रामा है। आपने देखा होगा एक साइड में क्या वहां पे रिप्रेजेंटेड है, योक सैक। ठीक है, लिखी लीजिए, एक क्यूब बचा रहे, कंप्लीट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपका, योक सैक। अब ये योक सैक जो है ना, अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम में होता है, जो कि हम ऐसा बोलते हैं कि ये कुछ ऐसा स्टोरेज करके रखता है जो एम्ब्रियो को क्या करेगा, नरिशमेंट देने का काम करता है। और ये एम्ब्रियो के साथ मदर की बॉडी का ऐसा एसोसिएशन करता है कि गैसेस एक्सचेंज में क्या कर सके, ये हेल्प कर सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। योक सैक में लिख लीजिए, योक सैक इज डेवलप्ड, योक सैक इज डेवलप्ड इनसाइड द यूट्रस, इनसाइड द यूट्रस। कब बनेगा ये, ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी, इनसाइड द यूट्रस ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, मतलब इसी का नेक्स्ट पॉइंट, योक सैक, YOLKA, YOLK। ठीक है, योक सैक प्रोवाइड्स प्रोवाइड्स नरिशमेंट योक सैक प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। नरिशमेंट प्रोवाइड करने का क्या करता है, ये काम करता है। चलिए, अब यही योक सैक जो है ना, आगे जाके जो आपने देखा कि अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह बन रहा था, यही बनाने में हेल्प करता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये जो डायग्राम था, हाँ एक चीज और है, इस डायग्राम को जब आप देखेंगे जो आपकी एनसीईआरटी में अवेलेबल है, तो यूट्रस के लोअर साइड में, अब एक बात सोचिए, ये जो यहाँ पे बना हुआ है फीटस, मतलब जो डेवलप हो रहा है, तो अपर साइड में ऊपर की तरफ, इधर की बात नहीं कर रही, अपर साइड में ये क्या करेगा, स्टमक को प्रेशराइज करेगा, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के टाइम में जो प्रेग्नेंट वेमन होती है उसको पूरे 9 मंथ्स हमेशा एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्टमक किसका ऊपर की तरफ पुश हो रहा होता है। ठीक है, फ्रंट में बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर ये प्रेशर डाल रहा होता है, और लास्ट के स्टेज में, मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो हालत इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि फीमेल को हमेशा ही यूरिनेशन की अर्ग होती है, उसका दबा ही रहता है हमेशा यूरिनरी ब्लैडर। बैक साइड में पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को दबा रहा होता है। अब रही बात यहाँ पे लोअर पोर्शन की, तो लोअर पोर्शन जो है दैट इज ओपन, कैसे ओपन है, ये वेजिनल ओपनिंग के थ्रू ओपन है। ठीक है,
तो प्रोटेक्शन के लिए, इसको पूरे 9 मंथ्स के लिए प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पे म्यूकस का प्लग जो है वो बन जाता है। यहाँ पे ये म्यूकस का प्लग बनता है और पूरा जो फ्लूड वगैरह इसमें फिल्ड होता है, जैसे लास्ट के टाइम में बोलते हुए आपने सुना होगा कि वाटर रिलीज होना स्टार्ट हो गया, दैट मीन्स कि वो जो म्यूकस का जो प्लग है वो टूट गया है। और एक बार अगर ये रिलीज होना स्टार्ट कर दिया तो फिर जो कंडीशन है वो क्रिटिकल है, चाहे तो ये नॉर्मली हो या फिर ये सर्जरी के थ्रू हो, ठीक है, जैसे भी हो। तो ये है, यहाँ पे ये जो प्लग है ये क्या करता है, इसको सेफ रखने का काम करता है पूरे 9 मंथ तक। तो यहाँ पे जितने भी लेबल्स थे सो मैंने समझा दिया। एक अब इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। पूछा जाता है कि व्हाई इज प्लेसेंटा रेफर्ड एज, ये पेज हो गया होगा आपका, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ रही हूं मैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई इज प्लेसेंटा रेफर्ड एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। चलिए क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, व्हाई इज Why is placenta referred as an endocrine gland? Endocrine gland. सबसे पहली बात, अगर कहीं कोई टर्म ग्लैंड लिख देता है, कहीं पे ग्लैंड लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है कि ग्लैंडुलर टिश्यूज है, ग्लैंड का साफ सीधा सा ये मतलब है कि 2000% गारंटी के साथ वो सिक्रीशन करेगा, करेगा या नहीं करेगा, ग्लैंड मतलब ये कुछ ना कुछ सिक्रीशन करेगा। तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि हमने ये तो पढ़ा, अभी अभी मैंने आपको ये तो सिखाया या फिर ये पढ़ाया कि ये जो प्लेसेंटा है ये चीजों को एक्सचेंज करने का काम करेगा। क्या करेगा, ये एक्सचेंज करने का काम करेगा। लेकिन अब यहाँ पे सोचने में बहुत अजीब लगता है कि ये प्लेसेंटा खुद भी कुछ सिक्रीशन करने का काम करेगा, है ना, थोड़ा सा अनोखा है लेकिन बहुत स्पेशल है। इस वजह से इस प्लेसेंटा को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि ये ऐसे हॉर्मोन्स भी सिक्रीट करेगा जो कि कॉपीराइटेड है फॉर द पीरियड ऑफ ओनली प्रेगनेंसी, सिर्फ ये प्रेगनेंसी के टाइम में क्या करेगा, सिक्रीट करने का काम करेगा, बाकी ये कभी भी नहीं करता है, ठीक है। इसमें लिख लीजिए, प्लेसेंटा ऑल्सो, प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज बिकॉज प्लेसेंटा बिकॉज placenta secretes various hormones, various hormones such as, अब यहां पे ऐसे करके आपको इसका नेम याद कर लेना है। देखिए दो नेम आपको याद है ऑलरेडी, मैंने लिखा ए बी सी एंड डी। फर्स्ट नेम इज एस्ट्रोजन, पता है आपको, वेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन। नंबर टू इज, ये भी सिक्रीट करेगा, नंबर टू इज प्रोजेस्टेरॉन्स, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन्स प्रोजेस्टेरॉन्स। अब आपके दिमाग में क्वेरी आएगी, ये तो पढ़ा हुआ है हमने, नया क्या है इसमें, है ना। तो नया क्या है, दो आपके पास और हार्मोन है जो कि सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम में
प्लेसेंटा ही सिक्रीट करेगा, बाकी जिंदगी में कभी आपने सुना नहीं होगा ना इनका कोई काम होता। ठीक है, ह्यूमन के लिए लिखेंगे स्मॉल एच, कैपिटल पी एंड एल, एच पी एल। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तब बनेगा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, नाम याद कर लेंगे इसका, दैट इज ह्यूमन प्लेसेंटल, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है, देन नेक्स्ट जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो उसको हम लोग फिर वापस ह्यूमन के लिए स्मॉल एच, देन कैपिटल सी एंड कैपिटल जी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, राइट। तो यहाँ पे ये जो है एच पी एल एंड एच सी जी, ये यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम में सिर्फ कौन सिक्रीट करेगा, प्लेसेंटा सिक्रीट करने का काम करेगा, ये कॉपी राइटेड है। ठीक है, और लास्ट फेज ऑफ प्रेगनेंसी जब आएगा, मतलब लेटर लास्ट वाला बिल्कुल प्रेगनेंसी जब आएगा, तो रिलैक्सिन जो है वो ओवरी सिक्रीट करके भेजता है। हालांकि यहाँ पे इस पेज पे हमें सिर्फ क्या डिस्कशन करना है कि हम प्लेसेंटा को क्यों टैग दे रहे हैं, किस चीज के लिए, कि भाई ये क्या हो जाए, एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे है, किस तरीके से है। तो हम यहाँ पे सिर्फ टैग किसकी वजह से दे रहे हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये चार बेसिक हॉर्मोन्स जो है ये सिक्रीट करके देने का काम कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट जब हम लोग देखते हैं तो ये सब कुछ हुआ, और इसके सिवाय बहुत सारे और भी हॉर्मोन्स जो है वो सिक्रीट करने का काम कौन करता है, मतलब मदर की बॉडी से सब कुछ सिक्रीट कर करके देने का काम कौन करता है, या ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, प्लेसेंटा करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। एक बस पॉइंट लिख लीजिएगा, हालांकि लिख ही देना चाहिए मुझे इस पेज पे, अभी एक लाइन के लिए एक पेज तो हम लोग लेंगे नहीं अलग से, है ना। चलिए एक बार मैंने इसको नीचे कर दिया, यही लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक लाइन बस नोट कर लीजिएगा, लास्ट प्रेगनेंसी के स्टेज में क्या होता है, रिलैक्सिन सिक्रीट होगा। क्या सिक्रीट होता है, रिलैक्सिन। चलिए काम नहीं कर रहा, ऐसे कर लेते हैं, या रिलैक्सिन की हेडिंग दे देते हैं, आप पता चल जाएगा। आर ई एल ए एक्स आई एन, रिलैक्सिन, क्या हो गया ये, रिलैक्सिन। ठीक है, अब ये जो रिलैक्सिन है इसके बारे में सिर्फ एक लाइन हम लोग लिखेंगे, हॉर्मोन रिलैक्सिन, हॉर्मोन रिलैक्सिन इज सिक्रीटेड बाय secreted by the ovary during later phase of pregnancy. हो गया finish? लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होगा, ये सिक्रीट होगा, रिलैक्सिंग, बाकी कभी नहीं होता, खत्म। अब जब ये एम्ब्रियो यहाँ पे बनना स्टार्ट हुआ, अब जब क्या बनना स्टार्ट हुआ, ये एम्ब्रियो जो है यहाँ पे बनना स्टार्ट हुआ, एम्ब्रियो के बनने के बाद 11th क्लास में जब मैं आपको डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स पढ़ा रही थी, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, तो आपको मैंने थ्री बॉडी जर्म लेयर्स बनाए थे या पढ़ाए थे, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ठीक है, तो उन तीन बॉडी जर्म लेयर्स में आपने क्या सीखा था, जो अंदर वाला लेयर है दैट इज एंडोडर्म, बाहर वाला जो लेयर है दैट इज एक्टोडर्म, और बीच वाला जो लेयर है दैट इज मेसोडर्म। ठीक है, ये रहा तीनों लेयर,
पता है आपको, आपने 11th में पढ़ा हुआ है इसको, कुछ नया नहीं है इसमें। द लेयर्स आर, तो एक्टोडर्म जो है ये क्या है? आउटर लेयर। फिर एंडोडर्म क्या है? इनर लेयर। इनर लेयर, तो जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म थे उसमें यही दो लेयर होते थे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है कि पहले एंडोडर्म ट्रांसफॉर्म होगा, मतलब बनेगा, उसके बाद एक्टोडर्म बनेगा, मेसोडर्म बाद में बनता है। ठीक है, मेसोडर्म के बारे में हमेशा एक स्टेटमेंट लिखा जाता है, ये जो मेसोडर्म क्या है? मिडल लेयर है। मेसोडर्म क्या है यहाँ पे? जो मिडल लेयर है। मेसोडर्म क्या है? मिडल लेयर है। तो मेसोडर्म के बारे में हमेशा ही एक स्टेटमेंट लिखा जाता है, मेसोडर्म मेसोडर्म ये बाद में बनता है। ऐसा ना हो कि बीच में मेसोडर्म है तो आपको लगे कि नहीं, मिड में यही बनता है। मेसोडर्म सून अपीयर्स, मेसोडर्म सून अपीयर्स बिटवीन बिटवीन द एक्टोडर्म बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म एंड द एंडोडर्म बस एंडोडर्म हो गया। ये चलिए हो गया, इस पेज का भी ले लेंगे स्क्रीनशॉट। मैम ले लिए। हाँ आगे बढ़ते हैं, देखिए। और यही तीनों मिलके पूरी बॉडी को बनाने का काम करते हैं। अब इसके बाद जो है एक फेज यहाँ पे चलेगा आगे जाके, मतलब सब कुछ हो गया, ये तीनों जर्म लेयर्स भी बन गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे कुछ जो इवेंट्स हैं उसको एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे तो कब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि इसका हार्ट फॉर्मेशन सबसे पहले स्टार्ट होता है, ठीक है। पहला हमने लिखा यहाँ पे, जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ हाथ चलाएंगे, हार्ट फॉर्मेशन। पहला हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? हार्ट फॉर्मेशन। इसका जो हार्ट फॉर्मेशन है, इसका जो हार्ट फॉर्मेशन है, ठीक है, ये कब होगा? ये हो जाएगा आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी, यानी उसी के बाद सिर्फ स्टेथोस्कोप के थ्रू हार्ट बीट जो फीटस का है उसको पता लगाया जा सकता है। आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी हो गई, देन सेकेंड इज, ये कॉमन सी बातें हैं, आपने बोलते हुए भी सुना होगा लोगों को। देन है लिम्स और डिजिट्स, मतलब समझता है, लिम्स मतलब हाथ पैर, जैसे ऐसे हाथ बनना स्टार्ट हुआ तो जस्ट होता नहीं कि बड की तरह बस पता चला अभी डिजिट्स की, हाँ ये बनने जा रहा है, ये बोलने का मतलब है यहाँ पे, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे कि पूरा हाथ पैर बन के तैयार हो गया, वैसा नहीं समझना है, सिर्फ यहाँ पे इनिशिएशन हो रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखती हूँ, लिम्स एंड डिजिट्स फॉर्मेशन, लिम्स एंड डिजिट्स फॉर्मेशन एंड डिजिट्स फॉर्मेशन। तो ये कब होगा? सेकेंड मंथ के एंड में ये बनना, मतलब बन चुका होता है या बनना स्टार्ट होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए, By the end of the second month of pregnancy हो गया ये। Then फिर क्या आया?
छोटे छोटे जो यहाँ पे फीचर्स है, इवेंट्स हैं, बस उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि डेवलपमेंट ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स, मतलब इनिशिएट हो रहा है यानी कि बन के तैयार हो गया, डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स, ये देखिए 3 मंथ मतलब एक ट्राइमेस्टर, दूसरा तीसरा मंथ सेकेंड ट्राइमेस्टर, तीसरा थर्ड मंथ और तो थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो एग्जैक्टली उसी तरीके से अगर आपको बोला जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो इसका मतलब हो गया 3 मंथ या फिर 12 वीक्स, इसको लिख लीजिए। ये कब होगा, तो जब 3 मंथ पूरा कंप्लीट हो गया उसके बाद, मतलब उसके एंड में बिल्कुल ये हो जाता है। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए बाय द एंड ऑफ, चाहे तो आपकी मर्जी आप 12 वीक्स लिखें, ऐसे कैसे हो 12 वीक्स और 3 मंथ्स और फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एक ही बात है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गया ये। नेक्स्ट दो तीन और छोटे छोटे उसको लिख के खत्म करते हैं। तो यहाँ पे ये सब कुछ क्या हुआ, डेवलप हो गया। देन क्या है यहाँ पे कि अब सोचने वाली बात ये है कि फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस कब एनालाइज होगा, एनालिसिस नहीं ऑब्जर्वेशन ज्यादा सही होगा इसके लिए। नेक्स्ट लिख लीजिए ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट मूवमेंट ऑफ डेवलपिंग फीटस। ये 5th मंथ में, मतलब जब 5th मंथ एंड हो जाता है ना बिल्कुल लास्ट में, ये फीमेल टू फीमेल वेरी भी करता है डेवलपिंग फीटस, इसको लिख लीजिए ड्यूरिंग फिफ्थ मंथ। हो गया ये। देन नेक्स्ट एक आता है यहाँ पे, जब सेकेंड ट्राइमेस्टर फिनिश होगा मतलब 6 मंथ है ना, तो उसकी बॉडी पे फाइन हेयर्स आने स्टार्ट होते हैं, हेड पे फाइन हेयर्स आने स्टार्ट होते हैं, आईलिड जो है आंखों के वो आईलिड सेपरेट होते हैं और आई लेशेस भी बनते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए सेपरेशन ऑफ आईलिड्स, आपसे क्या पूछा जा रहा है, सेपरेशन ऑफ आईलिड्स कब होगा और क्या पूछा जा रहा है आपसे, हेयर्स ऑन हेड कब आएगा, हेयर्स ऑन हेड कब आएगा और क्या पूछा जा रहा है आपसे, आई लैशेस फॉर्मेशन, आई लैशेस फॉर्मेशन, ये सब के सब तीनों जो है यहाँ पे, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, ये तो हम लोग एक होता नहीं मोटे तौर पे ऊपर से देख रहे हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिख लीजिए बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स, बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स क्या मतलब वो एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, चलिए हो गया ये। ठीक है,
इसके बाद सिर्फ पार्चुरेशन और लैक्टेशन 5 to 10 minutes का टॉपिक बचा हुआ है। इसको करके नेक्स्ट डे इस चैप्टर को फिनिश करके नेक्स्ट डे ही हम लोग फोर्थ चैप्टर यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं आज की क्लास में? क्लियर है बिल्कुल? यस मैम, ये करूँ मैं? चलिए ठीक है, वेरी गुड। थैंक यू मैम।